जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रानीबाग मंडल के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बनवारी लाल नागपाल जी का आकस्मिक निधन हो जाने से पूरे रानीबाग क्षेत्र में शोक की लहर है और सबकी आंखें नम है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके अपने चरणों में स्थान दें और समस्त परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें, दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। उनकी कही हुई बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। करीब 1992 में मुझे गली कृष्णा मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे उस्ताद श्री जनकराज बजाज जी, जिनसे मुझे हस्तकला कढ़ाई का काम सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तभी से श्री बनवारी लाल नागपाल जी से मुझे समय समय पर आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। करीब 2 वर्ष पहले 15 मई परिवार दिवस पर मुझे उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को उजागर किया और संयुक्त परिवार में रहने के संदेश दिए और पूरे भारतवासियों को और पूरे संसार को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। एक वीडियो के माध्यम से आइए हम सभी उनके अनमोल वचनों को सुनें, उनकी कही हुई बातों को स्मरण करें। आइए कुछ यादें जो उन्होंने हम सब के लिए कुछ बातें कहीं, कुछ प्रेरणा लायक बातें जिसमें उन्होंने समस्त परिवार को एक साथ रहने के लिए परिवार दिवस पर बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आइए उनके अनमोल वचन सुने। युवा और युवतियां हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, परिवार में रहने से उनको काफी तनाव होता है। ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। ऐसा है कि आदमी को इकट्ठे रहने का जो सुख है वो अलग होने से सुख मिलने मिलेगा। आज परिवार में क्या है कि सब अलग होना चाहते हैं, जिससे मतलब है ये दुख का कारण है कि तनाव ज्यादा है, कम नहीं है। जब आदमी इकट्ठे रहते हैं तो आपस में प्यार होता है, एक दूसरे का सहयोग मिलता है। सुबह उठकर माँ बाप का चरण छुए, जिससे भगवान भी अगर आप मत्था टेकेंगे जब आशीर्वाद देगा। माँ बाप जो है बिना पैसे आपको आशीर्वाद देते हैं और दिल से देते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और आज क्या है, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते बुजुर्गों की, और जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं, वहाँ जाके माँ बाप को डाल के आ जाते हैं। अब कई मतलब में ऐसा चांस आते हैं कि जिसमें बुजुर्गों को वहाँ भेज के और अपने पैसे देने और वहाँ से अपनी जान छुड़वा, उनको ये पता नहीं है कि कल को हमने भी बुजुर्ग होना है, हमारा भी ये स्टेज आएगी, हमारा भी ये ऐसा समूह आएगा। अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे कल को उनकी कौन करेगा? मैं यही कहूँगा कि अगर सुख में सुख अगर आपको चाहिए तो माँ बाप की सेवा करो। सबसे पहले सवेरे उठ के माँ बाप का आशीर्वाद लो और चरण छुओ। आज क्या है, आज लगाते हैं पांव तो छुएंगे नहीं, गोड़े तक हाथ लगाकर गोड़े तक ही छुएंगे और मतलब बस हो गया काम। पहली बात यह है कि कुछ लोग तो पाँव कभी दूर हैं, कभी राम राम करके भी राजी नहीं। आज के बच्चे जो हैं पढ़े लिखे, आज जो कॉलेज और लड़की हैं, कभी मतलब राम राम भी सवेरे नमस्ते कुछ नहीं है, करते हेलो 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 करके अपना टाइम पास करते हैं। तो ये जो है ये वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है, आपस में प्यार का प्यार से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए तनाव भी ज्यादा है और ये सारा दुख का कारण यही है। ये मोबाइल और ये टीवी जो है ये हमारे इंटरनेट लिए इन्होंने आगे नाश कर दिया हमारी संस्कृति का, सब बच्चों को, इसलिए इनको कम इस्तेमाल करें। तो मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके इसको कम करें और भगवान का नाम लें और माँ बाप का आशीर्वाद लें। अगर आपने सुखी रहना है तो ये सुख जब ही मिलेगा, अगर किसी को सुख दोगे तुम्हें सुख मिलेगा। इकट्ठे रहने में जो आनंद है वो अलग
रहने में आनंद नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब तक आपका जीवन है उस परिवार को सुख दो और सुख लो और माँ बाप की सेवा करो और सुखी रहना है तो इकट्ठे रहना जैसा आनंद है नहीं। मैं ही सबसे यही बात कहूँगा कि अपना इकट्ठा रहकर प्यार मोहब्बत से आप रहो और दूसरे को सुख दो। अपना अगर सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख देना सीखो और कभी भी किसी का मन मत दुखाओ। अपना मन अगर करते हो हमें सुख मिले तो किसी को दुख मत दो। यही मेरी एक सबसे प्रार्थना है सब बच्चों को यही है कि सवेरे सबसे पहले अगर आपको सुख चाहिए आशीर्वाद माँ बाप का लो और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि माँ का आशीर्वाद भगवान से भी ऊपर होता है। कभी ये सोचो कि वो आशीर्वाद खाली नहीं होगा। जो माँ बाप के मुंह से निकली हुई बात वो आपको पूरी लगेगी। आज ये क्या है घर के माँ बाप को कोई पूछता नहीं है, जाते हैं देवी के वहाँ। अरे घर की माँ को तुम पूछते नहीं, वो माँ तुम्हें क्या दे देगी? कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी जब तक तुम घर की माँ को नहीं पूछोगे। आज मंदिरों में जाके घंटी खड़काना, अरे माँ बाप की सेवा करो सबसे, तीर्थ यात्रा भी ना करोगे कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप की सेवा करने से आपको सारे फल तीर्थों के सब मंदिरों के सब जगह के आपको फल मिलेगा। मैं ये आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले सवेरे माँ बाप के उठ के चरण छुओ और माँ बाप का आशीर्वाद लो। परिवार दिवस आज है, आज विश्व परिवार दिवस पे पूरे विश्व को आप एक संदेश दीजिए कि परिवार में रहने का जो सुख है वो अकेले में नहीं है। जी मैं यही कहूँगा जो आदमी जो बच्चे आजकल एक परिवार में रहते हैं उनको जो सुख मिलता है माँ बाप से भी मैं प्रार्थना करूँगा, ये कहूँगा कि सवेरे टाइम जो है या शाम तक बच्चों को ले दे और बच्चों का प्यार और सुख देने की शिक्षा अच्छी दे। और बच्चों से भी यही कहूँगा कि जो इकट्ठे रहने में सुख है वो अलग में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे रहें और भगवान का आशीर्वाद लें और माँ बाप का आशीर्वाद लें। धन्यवाद जी। दोस्तों आना जाना प्रकृति का नियम है। उस परमपिता परमात्मा ने जीवन बाद में लिखा परंतु मृत्यु पहले लिखी। जीना झूठ है मरना सत्य है, लेकिन कुछ लोग अपने पीछे एक छाप छोड़ जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं, समाज को सही मार्गदर्शन सही दिशा देने के संदेश जो उन्होंने दिए। वे जब भी मंच पर आते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच पूरा माहौल उनके सम्मान में खड़ा हो जाता था। उन्होंने समाज की कुरीतियों को और समाज की बुराइयों को हमेशा ही एक संदेश के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया। उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी कही हुई बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वे जब भी गली में से निकलते थे तो मुझे उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता था और जब मैं उनके चरण स्पर्श करके उनके चेहरे की तरफ देखता था तो वो मुस्कुराकर कहते थे, ठीक है ना, वधिया है, सब चंगा, हाँ ठीक रहना चाहिए। ऐसे हसमुख व्यक्ति जो अपने पीछे अपनी यादें छोड़ गए। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा यादों में अमर हो जाते हैं, संसार में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही माननीय आदरणीय श्री बनवारी लाल नागपाल जी जो हमेशा लोगों को दिलों में रहेंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, हम कभी आपको भूल नहीं सकते। आपको शत शत नमन, श्रद्धांजलि। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम
भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं हम हैं जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना